अनिश एक सरकारी मुलाजिम था। बड़ी ही जद्दोजहद करने के बाद रेलवे डिपार्टमेंट में उसकी नौकरी लगी थी। लेकिन अनिश को अपनी नौकरी लगने की जितनी खुशी थी, उसका उतना ही खौफ भी उसकी आंखों में था, क्योंकि उसकी नौकरी किसी सामान्य रेलवे स्टेशन पर नहीं बल्कि भारत के सबसे खतरनाक रेलवे स्टेशन पर लगी थी, जो सालों से अपने भूतिया किस्सों के लिए मशहूर था, जिसका नाम था बेगुन कोडार। बेगुन कोडार का यह रेलवे स्टेशन इतना ज्यादा खतरनाक था कि बीते कई सालों में यहां जिसकी भी नौकरी लगी, वो कुछ दिनों में उसकी मौत का कारण बनकर रह गए। अनिश ने बचपन से ही उस रेलवे स्टेशन के भूतिया किस्से अपनी दादी नानी से सुने थे, लेकिन जब आज उसकी नौकरी उसी रेलवे स्टेशन पर लग गई थी, तो वो चाहकर भी वहां से अपनी नौकरी को छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि उसके घर के हालात ही कुछ ऐसे थे कि एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई थी। अनिश, आज से तुम्हारा ड्यूटी का शेड्यूल थोड़ा चेंज हो गया है। तुम्हारी शिफ्ट अब रात की हो गई है, तो रात को तुम्हें अकेले पूरे प्लेटफॉर्म का ध्यान रखना है। क्या रात को? लेकिन सर, मेरी ज्वाइनिंग टाइम पर तो मेरी डे शिफ्ट की ड्यूटी थी, तो अचानक ये चेंज क्यों हो गई? मैं रात के समय इस रेलवे स्टेशन पर अकेले नहीं रह सकता। आप तो जानते हो ना इस रेलवे स्टेशन के बारे में, ये कितना खतरनाक है। देखो अनिश, ये तुम्हारी जॉब है, तुम्हें कभी भी डे शिफ्ट और कभी भी नाइट शिफ्ट करनी पड़ सकती है। और रही बात इस रेलवे स्टेशन की, तो अब पूरी लाइफ तुम्हें यही जॉब करनी है, तो इसकी आदत तो डालनी ही पड़ेगी। बस अपनी सेफ्टी के लिए तुम इतना कर सकते हो कि रात से लेकर सूरज उगने तक अपने कैबिन से बाहर मत निकलना। लेकिन सर, देखो अनिश, तुम चाहे कितनी भी लेकिन विकिन करो, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। यह हाई अथॉरिटी का डिसीजन है। वैसे भी रात के समय इस प्लेटफॉर्म पर कोई उतरना तो छोड़ो, ट्रेन की खिड़की खोलने की भी हिम्मत नहीं करता। तो डोंट वरी, तुम्हें अपने केबिन से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस समय अरुण सर तो मुझे ये बात कहकर चले गए, लेकिन बचपन से मैंने उस रेलवे स्टेशन के बारे में जो किस्से सुने थे, उन्हें याद करके वहां रात को अकेले रुककर ड्यूटी करने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। पर मैं मरता क्या ना करता। वो कहते हैं ना कि मजबूरी इंसान से कुछ भी करवाती है। बस मेरी पैसों की मजबूरी ने मुझे ना चाहते हुए भी ऐसी जगह नौकरी करने को मजबूर कर दिया। शाम के 7 बज चुके थे, रात के 10 बजे से मेरी शिफ्ट शुरू होने वाली थी, तो मैं तैयार होकर अपने क्वार्टर से घड़ी में ठीक 9:30 बजते ही निकल गया। वहां से रेलवे स्टेशन ज्यादा दूर नहीं था, तो मैं 10 बजने से थोड़ी देर पहले ही स्टेशन पर पहुंच गया। जब मैं कैबिन में पहुंचा, तो डे शिफ्ट वाले जुगराल सर वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपना बैग उठाया और मेरा कंधा थपथपाकर वहां से चले गए। उनके जाते ही अभी तक जो मेरा मन थोड़ा शांत था, वह अब बेचैन सा होने लगा। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, लेकिन मैंने खुद का ध्यान भटकाने के लिए अपने फोन में गाने चलाकर फोन को सामने वाली टेबल पर रख दिया। अपनी आंखें बंद करके कुर्सी पर सर रख कर लेट गया। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई है जो एक बड़ी ही अजीब सी आवाज में मेरा नाम पुकार रहा है, अनिश, अनिश। जैसे ही मेरे कानों में वह आवाज पड़ी, तो अचानक मैंने अपनी आंखें खोली, नजर घुमाकर पूरे केबिन में इधर उधर देखा, तो कोई भी नहीं था, ना ही पूरे केबिन में किसी तरह की कोई हलचल हो रही थी। ये देखकर मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया। फोन में कोई बोरिंग सा गाना चल पड़ा, जो मैंने अपनी जिंदगी में आज से पहले कभी सुना नहीं। उस गाने की भाषा और आवाज भी कुछ अजीब थी। अचानक वो आवाज अपने आप बहुत तेज होने लगी। उसे सुनकर ऐसा लगा कि मानो मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। मैंने गाना बंद करने के लिए जैसे ही हाथ में अपना फोन उठाया, तो मेरे फोन की पूरी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक हो गई। मैंने पावर बटन से फोन को स्विच ऑफ करने की कोशिश की, लेकिन मेरा फोन अचानक ऐसा हो गया कि मैं उसे ऑफ ही नहीं कर पाया। उस आवाज से परेशान होकर मैंने अपने कानों को अपने दोनों हाथों से भींच लिया। तभी अचानक सब कुछ एकदम शांत हो गया। मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे केबिन के दरवाजे को मानो जैसे कोई बहुत जोर से खटखटा रहा हो। लेकिन इतनी रात को पूरे प्लेटफॉर्म पर मेरे अलावा तो कोई और था ही नहीं, तो फिर आखिर मेरे केबिन का दरवाजा कौन खटखटा रहा है? ये सोचकर मेरे पसीने छूट गए, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करते हुए पूछा, कौन है? कौन है बाहर? मेरी मदद करो साहब, दरवाजा खोलो, वरना वो लोग मुझे मार डालेंगे, बचा लो मुझे। अरे, ये तो किसी लड़की की आवाज है, लेकिन इतनी रात को कोई लड़की यहाँ पर क्या कर रही है?
नहीं, ये सब छलावा है, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। ये सोचकर मैंने दरवाजा नहीं खोला और चुपचाप अपनी कुर्सी पर ही बैठा रहा। तभी वो लड़की मेरे केबिन का दरवाजा और जोर जोर से खटखटाते हुए मदद की गुहार लगाने लगी। प्लीज मुझे बचा लो, वो मार डालेंगे मुझे, खोल दो दरवाजा। उसकी इतनी तेज रोने की आवाज सुनकर मुझे ऐसा लगा कि सचमुच कोई लड़की मुसीबत में है, इसलिए उसकी मदद करने के लिए मैंने अपने केबिन का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही सामने देखा तो मेरे सामने दूध के जैसी सफेद इतनी खूबसूरत लड़की मानो कोई अप्सरा उतरकर मेरे सामने आ गई हो। उसे देखते ही मैं उसकी खूबसूरती का कायल हो गया। मेरे दिल दिमाग पर जैसे उसकी खूबसूरती का सम्मोहन छा गया। वो मुझसे रोते हुए क्या कह रही थी मैं ये समझने की सुध भी खो बैठा। तभी उसने अचानक अपने हाथों से मुझे पीछे करते हुए मेरे केबिन के अंदर आकर दरवाजे को बंद कर लिया। प्लीज आज रात मुझे यहाँ छुपा लो, सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, लेकिन आखिर तुम इतनी डरी हुई क्यों हो, क्या हुआ है? देखो अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता हूँ। नहीं प्लीज, तुम किसी को मत बुलाना, मैं आज रात गोपाल के साथ भागने वाली थी, बहुत प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से, लेकिन ये बात मेरे बापू को पता लग गई, गोपाल तो किसी तरह यहाँ से निकल गया, लेकिन मैं यहीं रह गई। कल सुबह गोपाल मुझे लेने आएगा तो मैं उसके साथ यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन सुबह होने तक मेरी मदद कर दो, अगर मेरे घर वालों ने मुझे ढूंढ लिया तो वो मुझे जान से मार देंगे। मैं इसीलिए यहाँ पर आई क्योंकि इतनी रात को डर के मारे कोई भी मुझे यहाँ ढूंढने नहीं आएगा, मेरी मदद करोगे ना? हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो, लेकिन लगता है कि तुम्हें ठंड लग रही है, जब से आई हो कपकपा रही हो, तुम यहाँ बैठ जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। जी। उसे वहाँ बैठाकर मैं केविन के किचन में उसके लिए चाय बनाने चला गया। चाय बनकर तैयार हो गई थी, मैं बस चाय लेकर उसके पास जा ही रहा था कि तभी मुझे उसकी चीखने की बहुत तेज आवाज सुनाई दी। उसकी चीख सुनकर मेरे हाथ में पकड़ा चाय का कप मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। मुझे लगा कि उस लड़की के घर वालों ने कहीं उसे पकड़ तो नहीं लिया। यह सोचकर मैं बड़ी ही हड़बड़ी में किचन से बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरे केबिन का दरवाजा खुला हुआ है और वो लड़की भी वहां पर नहीं है। केबिन के फर्श पर खून की कुछ छींटे पड़ी है। मुझे उस लड़की की चिंता हुई, मैं जल्दी से अपने केबिन से बाहर निकला तो केबिन की दाहिनी ओर से मुझे फिर से उसकी चीख सुनाई दी। मैं भाग कर उसकी ओर गया तो देखा वो लड़की जमीन पर बैठी हुई है, उसकी पीठ मेरी तरफ थी। वो रोते हुए अपने हाथ से कुल्हाड़ी लिए बेरहमी से किसी पर वार कर रही थी। ये नजारा देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़की अभी कुछ मिनट पहले मेरे पास आकर मदद की गुहार करती हुई रो रही थी, अभी वो लड़की अपने हाथों से कुल्हाड़ी लिए बेरहमी से किसी पर ऐसे वार कर रही है। ये देखकर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उसे आवाज लगाई, ये क्या कर रही हो तुम, किसी को मार डाला क्या तुमने? मेरे इतना कहते ही उसने कुल्हाड़ी से वार करना बंद कर दिया और उसने अपनी गर्दन मोड़कर जैसे ही मुझे देखा तो डर के मारे मानो मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल गई हो। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था, आंखों की जगह बस काली पुतलियां थी, चेहरा बुरी तरह से कटा फटा हुआ था। उसने मेरी ओर देखकर बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराया तो उसके लंबे काले दांत देखकर मुझे ऐसा लगा कि घिन के मारे मुझे उल्टी हो जाएगी। वो अपने सामने पड़ी लाश के मांस को अपने हाथों से पकड़कर खा रही थी। उसे देखकर मैं इतना डर गया कि डर के मारे मेरे पैर वहीं जम गए। तभी उसने फिर से मेरी ओर बड़ी ही भयानक हंसी के साथ हंसते हुए देखा, वहां से भाग गई। मुझे लगा कि अब वो वहां से चली गई है, इसलिए मैं थोड़ी आगे जाकर उस लाश को देखने गया ताकि पुलिस को इसकी खबर दे पाऊं। लेकिन जब मैं उस लाश के पास पहुंचा तो उसे देख मानो मेरा कलेजा मेरे हाथ में आ गया। वो नजारा देखकर मैं इतना डर गया कि डर के मारे मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने केबिन के चेयर पर था, प्लेटफॉर्म से बहुत शोर सुनाई दे रहा था। मैंने बाहर निकलकर देखा तो प्लेटफॉर्म पर काफी सारे लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। प्लेटफॉर्म पर किसी की लाश पड़ी थी, इसलिए मैं भी लोगों के बीच से जाकर उसे देखने गया तो डर के मारे
मेरी आत्मा सिहर उठी, क्योंकि लोगों के बीच पड़ी वो लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही लाश थी। इस रेलवे स्टेशन पर पोस्टिंग वाले हर ऑफिसर की तरह ही आज मेरी भी मौत हो चुकी थी। अगर आपको कभी इस रेलवे स्टेशन पर एक रात बिताने का मौका मिले तो क्या आप यहां आना चाहेंगे? शायद मेरी ही तरह वो लड़की आपके पास भी मदद की गुहार लेकर आ जाए। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।